आई राखना आई धरना ये लुगरा भला परसा ने का कर कर जाओ आई धरना आई राखना आई धरना ता ए धरैया मालूम है मैं का तुमना करो पर ये मोरे छे दू चार ठो बोले का जात है आई धरना आई राखना लास्ट हम रखी तर तो देखा था सो जैसे ने देख ले तेला अब दू मिनट बाद भीतर ही कोनी दिखे अब दिखी का बिहान दिन जब घर जाएगी ना तो घर जाए बाद हाँ घर जाए बाद चाय पी एक जाए लाल बेटी झोरा लाल वो छोटे बेटी ना आ झोरा धर के तान लुगड़ा निकालते हैं लुगड़ा निकाल के परिहार देखते हाँ देखा था सर वो हर हल्का वाले देखते हैं तो चार किलो के दिन हो अब किम दुनिया संतुष्ट करते हो किम ना अब शरीर खर्चा कौन करते लैकन नाना गाड़ी लगाते कौन लैकन नाना डीजल लगाते कौन लैकन नाना और ड्राइवर वाला भत्ता देते कौन लैकन नाना और जाति पुरुष वाले सगामन के देकर व्यवस्था करते कौन लैकन नाना शरीर खर्चा लैकन नाना लुगरा ले मान जाओ तमें ये कहो लेकर नाना वाला जो जींस नहीं देना चाहिए थी कहा था बने लगी सी नहीं दे हमारा नहीं दे तुम वाला देते पर एक चीज है और ये नारी मन है 80 रुपए किलोग्राम खुश है 100 रुपए किलोग्राम खुश है नारी मन है 100 रुपए किलोग्राम खुश है और लेकर नाना मन 80 खुश है इस आराम का पूछा था काम नहीं गोठ दागा लुगरा 100 रुपए लुगरा मिल के खुश और ये पर 80 मिल गया था किम खुश और 80 कोई मिल गया ना तेरा ऊपर दे ये परचलन भर दे वो सोहरला और गुड्डू के मोसिया है भले मियां मेरे हाथ गिर गया चल के तेरा अलग अलग समय में अलग अलग विधा प्यार मानस में तीन विधा के साथ साथ एक प्रमुख विधा जिन्हें भगवान शंकर मानते हैं एक विधा दिए जाते एक विधा लिए जाते एक विधा जिन्हें हमें रोए जाते हैं भगवान शंकर जी विधा मांगे ना प्रेम की विधा है काबर जेकर जीवन में प्रेम प्रबल होते ऊपर एक देवता मिलते राम ही केवल प्रेम प्यारा प्रेम होना चाहिए भगवान शंकर हाथ में जोड़ के मांगी काची बोले प्रेम की विधा है एक ही बार बोले जा तो मुझे श्रेष्ठ बढ़िया लगी कथा आप सुनाए मैं सुने मोर जीवन में जो आनंद है शायद आनंद को जीवन में मिल नहीं सके यहाँ पर बोला परमानंद मिले सुनी महेश परम सुख मानी परम सुख के प्राप्ति हो गए अब ये परम सुख देने वाला तिही हरस तबे जाने पर आए कि संत के माध्यम से ही इंसान ला जीव ला भगवान की प्राप्ति हो सकती है और भगवान शंकर साक्षात खुद ब्रह्म है दूसरा ब्रह्म हम पाए गए ब्रह्म और ब्रह्म पार ब्रह्म इस पार ब्रह्म को पाने के लिए राजा दशरथ जी महाराज ने न जाने कितनी तपस्या की थी 23,000 साल से तपस्या करे इसके बाद राम लाल राम का बेटा बना जा के देखा रामदास बेटा बनाना यूं ही आसान नहीं है हमन कथन जरूर हमार बेटा आया है मैं तो किस्मत वाले कथन की वर्मा परिवार में बेटी हूँ बेटी ताई का बेटी बेटी किस्मत वाले कावर वो बेटी पर प्रश्न बड़ा जोरदार के प्यारे बोले क्या कि जिनके एक भाव के अच्छे होते हैं जिनके एक भाव के अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं जिनके एक भाव के अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं और जिनके सौ सौ भाव के अच्छे होते हैं उनके घर बेटियां हुआ करती है उनके घर बेटियां हुआ करती है उनके घर बेटियां हुआ करती है सौ भाव के बने अब ये भाग्य और सौ भाग्य देखते शादी कार्ड में जब भी लिखते तो सौभाग्य कांक्षी लिखते हैं अब बेटा नाम है चिरंजीव चाहे वो माँ बाप का चीरे चाहे कृष्ण उपरे चिरंजीव लिख पे अब बेटी मन के नाम क्या कहूँ सौभाग्य कांक्षी देखा सती बेटी मन लक्ष्मी का क्या कथे जोर से का कथे तुम लक्ष्मी हो हमन मन लक्ष्मण छ तुम धारो मतलब थोड़ी लक्ष्मण नहीं किसे का ये मन लक्ष्मी अब तुम जिया चाहते हो यहाँ लक्ष्मी लक्ष्मी अब हाँ मन जाबो यहाँ हमार जाना सब तो रोज बोलते हैं मन देवी हो हमार थोड़ी हम देवारे हो ताला तुम मन तुम अलग करते हैं हारो ठीक है सबो ठीक है कर कर देव पूरा सास पान भलो के यत्र नारेज के पूजे दे तत्र रमनते देवता जी नारी मन के पूजा होते तुम्हारे देवता निवास में से फिर ईमानदार बताओ काका का सब बोल को काका का पूजा कर ऐसा पूजा हो रहा है एक दिन करे कुर्सी बिठा के आरती उतारो मोरे घर के उपाई कोई भी काम रहे बेटी बेटी जाए तो सास ना कट ही करके कहे के बताई दिल कर दे सासु मां तो चार बात सुना दी तब की इच्छा कर मतलब आड़ी करी सब लोग को लगना है हम इचला मतलब नारी मन ला दागा काका सुबह के 5 बजे उठ के गोबर कचरा करते कौन ससुराल में कौन नारी मन हमन नहीं कौन मन हां
जोर से कौन मन सुबह कन पान के गोबर कचरा करते कौन नारी गोबर कचरा करके कन घल बहाते कौन नारी पोछा लगाते कौन नारी पोछा लगा एक बात एक बात बता दो जब घर के नारी घर के बेटी घर के पति जब घर में पोछा लगाता है तो जब ये पोछा लगाता तो बाबू जात में लाभ खाता जब नारी में पोछा लगाता है पाकिस्तान के बॉर्डर से खून क्या पोछा लगाता और पोछा लगाते तो तीन हम पाकिस्तान के बॉर्डर में खून क्या जाए मजा वो पोछा लगाते घर की भीतरी में बोला मरा के पता अब फोकस मरा रे भीतरी फुसर गए तो ते निकाल नहीं सकता और निकाल के समझ तब जान डर घर के भीतर दूसरे पर सोचे लगते सुबह कन पांच मिनट के गोबर कचरा करते कौन नारी ढाला बाहर थे कौन नारी पूछा लगाते कौन नारी गोलू गोलू दूसरा करके मरम गिर गिर नाच सकल गिर गिर हवा फल कांसते कौन नारी घर भर के मन को कौन लिखा ठान जूठा बर्तन मांसते कौन नारी यहाँ तक बिचारी मन दीजा की उपवास रहते गुरु भाग लगाते दो दिन क्या क्या करते काबर पति को मर लंबा हुई की के ये बिचारी मन पति को मर लंबा हुई के उपवास है अब गोलू पापा कहूँ करके भर ठीक ठाक होकर मान पूरा अब काबर चलने वाला गाड़ी घरों घुरुआम गिर जाती है इसने पति और पत्नी के जीवन जिंदगी के गाड़ा बेला चलाए पर दोनों पति पत्नी रूपी चक्का अच्छा होना चाहिए एक चक्का भी डैमेज हो जाते ना तो परिवार के दशा बिगड़ जाते हैं भगवान शंकर मैया सती दोनों ऐसे पति पत्नी आए भले सामंजस्य कर बिगड़े जरूर है पर गाड़ा बेला रास्ता चल रहा भागन के देते और निकल पर के वहां ले कहां जब वापस निकले ना मुनि संविदा मात्र पुरारी और निकले तो कैलाश पर्वत की यात्रा और वापसी जात जब मैया सती पूछ पड़ी भगवान सब बात बढ़िया है सत्संग करें सुने दे सुने इतनी सुने फिर एक चीज बता ये राम राम कथा तो कीते राम दशरथ के बेटा कीते राम जो घर पे बैठा कीते राम जो जगत पसारा कीते राम जो दक्षिण आया कदे राम एक एक हवा थे कब और भीड़ दे देखा और का कासड़ा जब है तो टाक के भागे हो देखा नरीमो का फांसा बंद है पट्टा है अभी पट्टा है वो पालतू भरे मत काकरोच घर के वही हो देखो बांध लो भगवान शंकर निकले एक क्षण प्रश्न कीते ही राम दशरथ के बेटा कीते ही राम जो घट पे बैठा कीते ही राम जो जगत पसारा और कीते ही राम जो जगत चलाने कदे राम भगवान शंकर का राम का पूछे वो तो एक क्षण बात जान ले कहते का कहा ते ही अवसर भंजन महिहारा हरि रघुवंश लिंग ओ ये अयोध्या दशरथ के बेटा बन क्या है भीतरी देखा नीचे नहीं सकते देखी सोला वो दिखा थे पूरा हलचल हो थे हाओ ये मन का कर ना चाहते करते काबर सोहार में ना चाहते काकर राम आ के कर सकते तो सोहार में ना चाहते फिर रास्ता जा चलती बोले पिता वचन तजी आदिवासी ओकर बाद फिर एक टन के घटना का कि एक नारी जगत का हमारा ना बनवास हो गए तो बनवास निकल थे पिता वचन तजी राज उदासी दंडक वन विचरत विनाशी बाप के बाद 14 साल के बनवास को मांग के निकल सोच के देखा 14 साल के बनवास बेटा निकल गया अगर भगवान राम के जगह में मैं होते हूँ ये वो ये जो भी जैसी भी है कोई जाते हैं 14 साल के बनवास नहीं निकलते हैं भले दल दल खेदार देते ताला फिर हम नहीं जाते काबर काबर आज के लेकर मिलना कोई मतलब नहीं केवल एक चीज से मतलब है जे बाप की संपत्ति जे गाड़ी जे धन जे चार एकड़ खेत सब लमोर हम सब लमोर बाप सकेल थे सब लमोर दाई सकेल थे और गरस्थन हम काका रे मोर ये गाड़ी है मोर एक ठन कहीं एक ठन फटफटी लेके हमार का क्षमता नहीं है और वो का चीज में हमार गर्जा थे मोर सोच के देखता रहे जे माँ बाप सारी संपत्ति हमार पर सकेल के किस वो दाई दर भुला के और वो कर बाद हम वो संपत्ति में आज वही संपत्ति में हमार कब्जा बना के दाई लग निकाल गा बढ़िया बात कह दो कि माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती माँ की बद्दुआ यूं ही ताली माँ बाप की दुआ यूं ही खाली नहीं जाती माँ की बद्दुआ यूं ही ताली नहीं जाती यूं तो चार चार औलादों को एक माँ बर्तन मांझ कर पाल लेती यूं तो चार चार औलादों को एक माँ बर्तन मांझ कर पाल लेती है संतों पर कलयुग की विडंबना तो देखे चार चार औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती चार चार औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती और हम करना बैठे ये हम दाई कम से कम हमर ख्याल करते मैया सती जानते सब कुछ मानना नहीं चाहते और राम तो वो आदर्श है कि
आज इस दिन मेरे नाम ने 14 वर्ष के वनवास पर पिता के कहने पर एक्सेप्ट किया, उस दिन हमने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा। ये क्वालिटी मेरे नाम में, और राम के युग, जे राम के युग में ना चिरे चिरगुण भलो राम बोले, वो राम के युग जहाँ जटायु असन चिरे घलो मैया जानकी के लाज बचाए पर दौड़ के पंख ला कटा के प्राण त्याग दे, वो राम के युग जहाँ बेंद्रा भलो मन भलो रावण के लंका में जाकर निशाचर माला मारे का साहस रखे, हम वो भारत देश के रहने वाला जहाँ के नाम चित्रा मन भलो भलो छोटे छोटे पत्थर समुद्र में राम लिख के फेंके ना दौड़े चालू कर दे, वो भारत देश का दिक्कत है कौन सुन बड़े जोरदार यमराज, अब फनीस मतलब सांप, ये कर चुके हो।
काल मतलब सांप फनी है, काल मतलब यमरा और फनीस मतलब सांप। एक काल वो और सांप ने भलो काल का थे, सांप ने काल का थे काल, वो काल और सांप रूपी काल, दोनों काल मिलके का हो गए महाकाल। महाकाल निष्काल का थे महाकाल, वो काल अवे सांप रूपी काल मिला के हो गए महाकाल। तम कौन जात है रावण हमारे पर भगवान राम के संगत में महाकाल मतलब शंकर भगवान। तो सोच के देख प्यारे, अब रावण हमारे पर गिर गया, अब रावण हमारे पर गिर तो का सांप ए काय जाकर ये सांप रूपी बाण है, का रूपी बाण है सांप रूपी बाण, और सांप के कारण है अब कौन लादी कोटा करते रावण के पेट, और रावण के पेट में का है अमृत, और अमृत में सांप के अंदर जहर है, पेट में अमृत है और सांप में जहर है। एक काम करना, एक कप जैसे खीर बना देना, एक टप खीर है और वो खीर है जिन्हें मीठा मतलब अमृत है, हमारे और अमृत रूप खीर है बने हम दो तीन साल फास बने काबल लिया खीर है, दो तीन साल फास में मात्र दो तीन ठन काबल लिया जहर। तो सोच के देख, ये रावण के पेट में अमृत है, सांप रूपी जहर है, जब जाके घिनही से कर अमृत का बन जाए जहर। गीस रावण के पेट में लगी एक बाण नाभि कर सोसा, रावण के नाभि में घुस पूरा रावण के शरीर में और जहर है जाके भूल गए, और भूले के बाद रावण फड़फड़ा के जहर में कमा लिए, जहर पिया मन जान गए कौन कौन पियो जहर, कथे भैया भगवान शंकर जहर पिए हैं मैं कथों सही में पिए हैं, और जहर में पीस ना तो जब कल्याण करे बर पिए, काबर पिए हैं जब कल्याण करे बर, मामा जहर काबर पी था अपन कल्याण करे बर है नहीं का, अब भगवान शंकर जब कल्याण करे बर जहर पिए हैं, और हम जहर पी था तो अपन कल्याण करे बर पी था, और सब पाप वही है कई जन मन को इतना लापरवाही है, और देखते ना तो भगवान शंकर का करते का नहीं कथे मैं नहीं जानता, मैं नहीं देखे मास्टर कथे भगवान साथ खाना पीते के, तो वो खाना पीते के क्या पान मान पिया यहाँ पान है धरती में कैसे पीता था, तो वो शंकर भगवान पिया थे तमाम पिया तो वो जहर थोड़ा पीते तो पीते से जहर बोलन समझ के देखन प्यारे, ये बड़ा विचित्र अचंभा है, बड़ा विचित्र है। एकर सुधि भगवान के कथा में एक लाइन में किसे करा कि अति विचित्र रघुपति चरित्र, और जान ही परम सुजान मति मन रवि मोह वश हृदय धरम कछुआन उल्सिया प्रियाम चंद्र की जय। आइए शंकर भगवान का भजन, उसके बाद हम और आप सब मैया पार्वती के जन्म की ओर जो चलेंगे, बोल बाकी बिहारी लाल की जय। कुछ जानते मन मैया सती, लेकिन जाने के बाद भी मानना चाहते कुछ लोग उसको बार बार याद आना प्यारे मैया सतीला की इस लेके बाद में जब शंकर भगवान जी महाराज देखे कि शंभू समय ते राम ने देखा उपजे किया कि हर्ष विशेष है ही मतलब हृदय हृदय बड़ा खुश हो गए कब जब भगवान ला वो जंगल में किन्नर देखी था, और जैसे ने किन्नर देखी ना बट किच में मैया सती ठन बात पूछी कौन ला भगवान शंकर ला राम राम कथा प्रभु ये राम कथे हरे कैसे भगवान शंकर कथे वो जंगल में देखा था आओ देखा दो जन किन्नरा दिया आओ देखा छो एक जना गुवाले राम ने बचवाए लक्ष्मण ता एमन जंगल में काबर जात हो दीपर घर वाला छोड़ के लौकी सो कर अपन पिता के बात का मान के तापस बेस विशेष के दासी और 14 बरस राम राम से 14 साल के वनवास निकले, तो ठीक है 14 साल के वनवास निकले ता ओती पर देवता वनवास निकले ता का कारण होए ओकर कारण ला छोड़ एमन घुमत काबर है बोले ओकर पत्नी हरान हो गए ओकर पत्नी चोरी हो गए तेकर साथी ता पत्नी चोरी हो गए तेकर साथी घुमत जे बोले हां घुमत ता पत्नी अगर चोरी हो गए तो वो देवता के तरफ भगवान ने कहा तो मालूम नहीं होई ओकर पत्नी कहां है जानते कि त जानते ती हले कैसे उ नी नी पूछत है त बोले एकर सती ओ देवता जरूर है पर मानव ही लगला छ मानव ही लगला था तू डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए तो ठीक है मानव ही लगला पर ओ पथरा ढेला पेड़ पौधा पोछक के पूछते हे खत उम्र के हे मधु कर श्रेणी तुम देखी सीता तक नहीं रे पेड़ पौधा पत्थर ढेला पोछक के खाना पूछा भगवान शंकर के समर्थ पत्नी पूछा थे तो ये आए पत्नी प्रेम इतना भाई हाँ कि पेड़ पौधा को चलते पूछा थे ओकर कहना पूछा तक सही गलत है जैसे
अगर खुदा ना खासा ये दिल देखो ना अमलीडी के अगर काकरो घर के गोलू दाई हा कमा गए अब मैं मत को काकरो का दिसने पर को के अगर खुदा ना खासा और गोलू पापा हा नो पे जा पहुंचे के कहा थे मैं पत्नी देखे हैं ए छोड़ गांव वाले मन का कही कहीं अब गांव वाले मन पगला के सोच के देखन भगवान राम को पूछ दे हे खपनी के हे मधुरा शनि पे पौधा पूछ के मैं पत्नी देखे हसका मैया सती कहे और ये वो समझ नहीं आते दियो से कहते सोए पूछ को पेड़ पौधा पूछ से का कारण भगवान समझे एक बात बते का बात एक बात बता कहे ये धरती अब हो के ना जाते मात्र 5 मास से 5 मास आप मैया चाहे सती की बोले मैया चाहे की उत्पत्ति कहां हो रहे धरती में तो धरती का कही मां के एक पेड़ जाके हम जाके मां का अब यही धरती ले पेड़ पौधा पकड़ने लग लोग थे हां ना हां तो ये पेड़ पर पकड़ रहा धरती का पे मां तब मां जानकी घलो मां के अब पेड़ पौधा पकड़ने लग लोग धरती मां के मतलब जो दोनों जन्म मां के तो एक दूसरे रिश्ता नाता का हो गए हाय यो बहिनी तो मैया जानकी के पेड़ पौधा पकड़ ढेला आपस में खाए बहिनी होंगे पर मैया जानकी ताकत संग विवाह करे है ताकत से भगवान राम से तो भगवान राम ने मैया जानकी का कही राम ने कहा पति के नाम ले था मैया जानकी राम भगवान राम ने कहा कही पति कही तो भगवान राम हां मैया जानकी के पति आए और मैया जानकी भगवान राम की पत्नी आए तो सोच के देखा भगवान राम पेड़ पौधा पत्थर ढेला का कही सारी और सारा नीति मैया जानकी भाई बहनी कौन पेड़ पौधा पत्थर ढेला तो मैंने के धरती से आए तो ये भाई बहनी तो भगवान राम सारी सारा नीति तो एक बात मैं बता दूं कलयुग में भला अगर कोई नारी पुरुष में अगर एकाक कर झगड़ा हो जाए ना अब एकाक कर के लिए कटर हो जाए अब गोलू पापा कहते थे हूं ना इसके उठाए और हाथ ना मारे मत रहा भले और अब उठे ज पास है वो पड़े नहीं है ये रोवात है पापा मारा थे तो मारा तो कोई नहीं पड़े नहीं हम फोन चल दे तो अब पड़े नहीं आओ जिसने फोन की तो कर पापा खलो आ जा बेटी आ जा वो आओ कर बेटी जाते ना हां मैं नहीं रहा तो घर में ये उन लेकर थे आओ ले जा ताऊ का गुरु पापा ले जा ना उन्हीं कुछ लोग लेकर छोड़ना सब जा के तो दो दिन ना नहीं पूछे ले जा ले जा और तीसरा दिन फोन लगाते ससुराल में काकर करा काकर करा ससुर का नहीं लगा है वो सज्जन सिंह बराबर घूम रहा था बोल लगे काकर करा हैं सास का घर नहीं लगा है वो तो कीला बन जा रहा अब आज के कौन सारा करा हां देखे रे बने तो बहनी किस किस की करत निकले रहे टेंशन मत भाटो बहुत दिन है ये देखो अभी के कलयुग के मन खराब पर पत्नी को मतलब पूछते सारा सारी लग तो सोच के देखन जगत के चलाने वाले राम अपन सारी सारा मतलब पेड़ पौधा पत्थर ढेला पूछिस मोर पत्नी लिखे हसका गलत करिस का नहीं नहीं जड़ चेतन जग जीव सब सकल राम में जाने जड़ और चेतन सब राम के और साथ साथ हरि व्यापक सर्वत्र समान भगवान सब जगह समाए तो जब वो सब जगह समाए तो कुछ के गलत थोड़ी करत है सही करत है समझे दृष्टिकोण होना और ये मानस में तीन ठन भाव पैदा हुए एक प्रतीक्षा एक परीक्षा एक समीक्षा मैया सबरी ने अपनी प्रतीक्षा मैया सबरी प्रतीक्षा करी देखा सती और राम मिली माता सती परीक्षा ले भगवान के देखा सती बोला मरे लग गए अब एक जन सुपना का जो समीक्षा करी भगवान के देखा सती नाक कान कटे लग गए परीक्षा प्रतीक्षा और समीक्षा मैया सती जब कृष्ण न जाए के बाद भगवान शंकर भगवान शंकर कहते अब ये देवता है एकरे पूजा दुनिया करते तो कैसे कर वो करना कुछ नहीं है मैं अपन देवता प्रणाम कर दो हां तो मन में भी अगर कोई शंका है तो ते जा सकता और जाकर भगवान के तो जो भी इच्छा हुई ते जाओ कर कर जा और जाकर भगवान देख के आ जाए तो मैया सती जब भेजी ना तो सती को भेजे सती ना सती रूप में सती भेजे अपन रूप में जा तो पर वो के काम है सती रूप में भेजे उसके रूप में गए तो मैया का तो सत्कार लेकर गया और हमारा तो लावे तो मरबे पांच में सीता रूप में जाके हाथ में जुड़ के कहते स्वामी तो पत्नी आगे भगवान राम अचानक से पलट के देखते मोर पत्नी तो रावण लगे कहां लाए पलट के देखी लक्ष्मण लक्ष्मण देख कुमार मुझ भेजा भैया ये जगत के चलैया दाई हरे कहते कौन पलट के देखे तो पलट के देखे बंद के बात में हाथ में जोड़ के कथे माँ दाई दुर्गा दाई
शक्ति मैया तोरे चारा ना।